अडानी हिंडनबर्ग की पूरी केस की पूरी सारी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं, और ये भी जानेंगे कि क्या क्या हुआ। बट उससे पहले कि आपको पता है, गौतम अडानी ने अपने ऊपर लगे हुए सारे क्लेम्स को खारिज कर दिया और उस रिपोर्ट को पूरी की पूरी तरीके से बेसलेस रिपोर्ट बताया। जी हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग केस। हिंडनबर्ग के बारे में मैं बता दूं तो हिंडनबर्ग एक बहुत ही नामी और एक ऐसा पर्सन है जिसने आज तक वर्ल्ड के डिजास्टर होने वाले इवेंट्स को लोगों के सामने ले आया, जिसके वजह से लोगों हाईलाइट सही समय पर हाईलाइट होने से की वजह से डिजास्टर्स बच गए। सो इस बार फिर से हिंडनबर्ग ने अडानी का जो राइज चल रहा था, जो अचानक से अडानी एवरीवेयर दिख रहा था, रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आगे चल रहा था, वो शायद पच नहीं पाया और या फिर शायद एक अपॉर्चुनिटी दिखी और अडानी के ऊपर अपना अपनी उस रेपुटेशन का फायदा उठाते हुए एक क्लेम डाला। उस क्लेम की वजह से हुआ ये कि उसके पहले हिंडनबर्ग ने शॉर्ट कर दी थी अडानी के शेयर की पोजीशन, एंड देन क्लेम के बाद जब अडानी का स्टॉक क्रैश करते गया तो हैवी प्रॉफिट कमाया। इसमें हुआ ये कि भाई देश के बाहर पैसा चला गया, बिकॉज देश वाले लोग ही ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। गौतम अडानी ने अपनी लेटेस्ट एजीएम में बताया कि उसको जब ये सारी प्रॉब्लम्स हुई थी उसके बाद किस तरीके से उनको ये चैलेंजेस की कितने चैलेंजेस आए थे और किस तरीके से उनको ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया, दुबई के ग्रुप्स एंड मल्टीपल ग्रुप्स से उनको काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट मिला और इन्वेस्टर्स को वो प्रोमिस कर रहे हैं कि अगले 4 सालों में एक एयरपोर्ट का अडानी एयरपोर्ट का भी आईपीओ लेकर आएंगे। ये आप और पूरी की पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। और अगर आप ये देखें तो गौतम अडानी की पूरी कहानी देखेंगे तो हमेशा से ऐसे ही रहा है, किडनैपिंग हुई हो बचपन में उनकी, चाहे जो भी चीजें हुई हो, हमेशा प्रॉब्लम्स में जाते हैं एंड देन बाउंस बैक, ही बाउंसेस बैक इवन मोर स्ट्रॉन्गर। इस समय एशियाज रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं और तेजी से अग्रसर है टॉप 10 की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। आपको क्या लगता है, अडानी की ये पावर कायम रहेगी और अडानी मोदी 3.0 कहेंगे और में नए कीर्तिमान रचेंगे? अगर आपको लगता है तो अडानी डॉट ग्रेट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ये वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको स्टोरी नहीं पता है। और आपको पता है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, अडानी के कुछ स्टॉक्स हैं जो स्टॉक हमारी रिसर्च में बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट करके रिसर्च करके अडानी के कुछ स्टॉक जो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। जैसे इस समय अगर अडानी विल्मर के स्टॉक की बात करें तो वैल्यूएशन वाइज एफएमसीजी सेफ सेक्टर टाइप, अगर आपको अडानी में पोजीशन बनानी है तो यस थोड़ा बहुत उधर पोजीशन आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ सीमेंट के अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी, इन दोनों में ट्रेडिंग के पोजीशंस बन रही हैं। सीमेंट सेक्टर में रैली भी चल रही है और ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ये दोनों स्टॉक्स हमारी रिसर्च टीम ने प्रॉपरली रिसर्च करके ये सारी चीजें लेकर आई है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी बताना चाहेंगे आपको कि अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत ढेर सारी तरीके की एनालिसिस होती है और जूम पे लाइव ट्रेडिंग होती है विद सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो उस ट्रेडिंग को ज्वाइन करने के लिए अगर आप देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक्स और सब कुछ है, हमारी टीम का नंबर भी, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करिए। और उसके साथ साथ सी यू गाइस इन जूम लाइव ट्रेडिंग, बिकॉज दैट इज वेयर द मैजिक हैपेंस। जय हिंद।